हेलो गाइस, इट्स मी शाना परवीन हियर टू कंटिन्यू योर चैप्टर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड. एज आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट चैप्टर इन द लास्ट लेक्चर अबाउट द एक्टिविटी फर्स्ट टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जिसमें हमने क्या किया था, डायल्यू डाइट एंड सॉल्यूशन की हेल्प से अपने कुछ सैंपल लिए थे, क्रश पोटैटो की, क्रश बनाने की, क्रश सीड और ग्राउंडनट की, और हमने ये देखा था उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल के डायल्यू डाइट एंड सॉल्यूशन की कि वून में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है. अब हम देखेंगे दूसरी एक्टिविटी में कि टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन की, जो भी हमने सैंपल लिए हैं कि उसमें प्रोटीन होता है या नहीं है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक डिफरेंट फूड आइटम्स इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं. एक टेस्ट ट्यूब में हम मिल्क लेंगे, येलो पार्ट ऑफ एग लेंगे जिसे हम योक कहते हैं, और वाइट पार्ट लेंगे तीसरी टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद चौथी टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे हम, क्रश्ड राजमा लेंगे. ठीक है, उसके बाद टू बॉटल्स लेंगे हम किस किस की, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की और दूसरी लेंगे हम कॉपर सल्फेट की. सभी हमने अपनी ऑल द थिंग्स जो भी नेसेसरी थिंग्स हैं इनके लिए ले ली है. उसके बाद हम टू और थ्री ड्रॉप जो हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की इनमें डालेंगे इस टेस्ट ट्यूब में, एंड देन 5 to 6 ड्रॉप हम किसकी डालेंगे गाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की, और इन्हें अच्छे से शेक कर देंगे टेस्ट ट्यूब को, और इन्हें अनडिस्टर्ब थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो कलर होगा ईच फूड सैंपल का वो इस टेस्ट ट्यूब में कि क्या क्या कलर आया है, हमें ये ऑब्जर्व करना है. रिजल्ट हमें क्या मिलेंगे, जो कलर होगा मिल्क का वो वायलेट हो जाएगा. इस समय क्या पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो हम कहेंगे कि मिल्क जो है वो प्रोटीनेशियस डाइट होती है. उसके बाद हम कलर ऑफ योक देखेंगे, जो येलो पार्ट लिया था हमने एग का, वो चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज. इससे क्या पता चलेगा, जो एब्सेंस ऑफ प्रोटीन योक में, कि जो येलो पार्ट होता है एग का उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है. उसके बाद थर्ड हमने रिजल्ट देखा, जो कलर है एल्ब्यूमिन का, एल्ब्यूमिन ऑफ एग का, वो भी वायलेट हो गया, तो उससे ही पता चलता है कि जो वाइट पार्ट होता है एग का उसमें प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन होती है. यस गाइस, उसके बाद हमने कलर ऑफ राजमा का देखा, वो भी वायलेट हो गया, इससे ही पता चलता है कि राजमा में प्रोटीन पाई जाती है, तभी तो हम कहते हैं दालें खाइए, दालों में ज़्यादा प्रोटीन होती है. इसके हम क्या एक चीज़ नोट कर लीजिए, ऑन एडिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हमने इनको ऐड किया किसमें, जो प्रोटीन कंटेनिंग फूड है, तो वायलेट कलर अपीयर हो जाएगा. इसे क्या इंडिकेट होता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स. उसके बाद सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इज नीडेड होती है फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर द सेल्स एंड टिश्यू ऑफ आर बॉडी. फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं. जो सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के आर एस फॉलोज. देखिए गाइस, प्रोटीन के क्या क्या होते हैं, राइस पल्सेस हैं, राजमा है, बीन्स है, ग्राम्स हैं, इनसे पाई जाती है, और बाकी यहाँ पे भी दिया हुआ है. देखिए स्वीट पोटैटो है, नट्स हैं, सीड्स, लेंटिल्स है, ठीक है, केल है, ब्रोकली है, बीन्स हैं, ये सब एवोकाडो है, ये सभी में क्या होते हैं गाइस, गुड सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन. और गुड सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन के ये हैं, जैसे चीज़ है, फिश है, मीट है, मिल्क है, एग है, इन सब में प्रोटीन पाई जाती है, एनिमल सोर्सेज हैं. उसके बाद ये आपका ख़त्म हो चुका है. नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, क्या प्रेजेंस ऑफ फैट, कि हम फैट को कैसे बताएंगे, कहाँ किस चीज़ में फैट प्रेजेंट होता है. ये सबसे इजी आपकी एक्टिविटी है. इसके लिए क्या आप कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ले सकते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स की, थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लीजिए, डिफरेंट पेपर पर उन्हें रख लीजिए. जैसे सीड ऑफ ग्राउंड नट लिया आपने, पल्सेस लिए, पोटैटो लिया, बॉयल्ड एग लिया, उसके बाद उन्हें उस शीट पर फैला दीजिए और क्रश कर दीजिए किसी भी हैमर से या किसी भी अदर थिंग से, जेंटली आराम से कीजिए ताकि पेपर नटियर हो. ठीक है, उसके बाद इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए जो शीट होगी गाइस, ग्राउंड नट वाली जिस पर ग्राउंड नट फैलाया था आपने, वो जो पेपर की शीट है वो ट्रांसलूसेंट और ग्रीसी सी हो जाएगी, उस पर आपको ऑयल ऑयल से दिखाई देगा. तो इससे पता चलता है कि इसमें फैट प्रेजेंट होता है, यानी कि ग्राउंड नट में फैट प्रेजेंट होता है. उसके बाद शीट ऑफ क्रश्ड डाल के देखिए, उस पर कोई भी स्पॉट नहीं आएगा, कोई भी ग्रीस नहीं आएगा, तो डज नॉट लुक लाइक ट्रांसलूसेंट भी दिखाई नहीं देगा वो पेपर. इससे ही पता चलता है इट शोज़ द एब्सेंस ऑफ फैट इन दाल शीट, दाल में फैट नहीं होता. उसके बाद शीट देखिए आपने क्रश पोटैटो की, उसके बाद सुपर भी कोई हैज़ नो स्पॉट ऑफ ग्रीस, डज नॉट लुक ट्रांसल्यूसेंट नहीं दिखाई देगा, तो इट शोज़ द एब्सेंस ऑफ फैट इन पोटैटो. तो मतलब पोटैटो में भी क्या नहीं होता गाइस, फैट नहीं होता. उसके बाद आप शीट ऑफ बॉइल्ड एग की देख लीजिए, वो भी ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी और ग्रीसी हो जाएगी. इससे पता चल जाएगा प्रेजेंस ऑफ फैट इन एग, मतलब एग में फैट भी प्रेजेंट हुआ है. अभी मैंने आपको लास्ट में बताया उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट थी, ठीक है, लेकिन दाल में और पोटैटो में क्या प्रेजेंट नहीं होती है गाइस, फैट प्रेजेंट नहीं होता है. तो जो स्पॉट आया ग्रीस का ट्रांसलेशन पेपर का, इससे आपको पता चल जाएगा प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड विच इज़ कैप्ड ऑन दैट शीट. उसके बाद देखिए गाइस, सोर्सेज ऑफ फूड, फैट भी हमें एनर्जी देता है, फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, द सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, आर एस फॉलोज.
ठीक है, क्या क्या है सोर्सेस ऑफ फूड में, आपको सोर्सेस ऑफ फैट बता सकती हूँ मैं आपको, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ऑयल हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये क्या है फैट के सोर्सेज हैं। एनिमल सोर्स में क्या है, मिल्क है, घी है, बटर है, मीट है, ये सभी एनिमल सोर्सेज होते हैं मिल्क के। ठीक है गाइस, बाकी आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हैं कॉल।